भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट वन आपको दिखाया और मेरे साथ जो कैमरे में आप महिला देख रहे हो, इनका एक दावा था कि कोई बुरी आत्मा इनके साथ बलात्कार करती है, गंदे काम करती है। पार्ट वन में हमने आपको डिटेल से दिखाया। अभी ये घटनाएँ काफ़ी सारे लोगों के साथ, काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होती हैं। उनके दिमाग में ये होता है, बाद में आप लोग कमेंट करते हो कि भाई इसका सोल्यूशन भी आप बताया करो। तो इन्होंने क्या सोल्यूशन किया उस चीज़ के बारे में, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी, राधे राधे। राधे राधे सर जी, आपसे हम बातचीत की हमने पार्ट वन में, जो घटनाएं आपके साथ होती थी, जो इंसिडेंट आपके साथ होते थे, उसके बारे में विस्तार से आपने भी बताया और दर्शकों ने भी सुना जी। अभी क्या है उसका जो सोल्यूशन है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो तो चलो होगी, लेकिन उसका समाधान क्या होता है? आपने क्या समाधान किया, क्या क्रियाएँ की, उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको जरूर बताएं। इस कार्यक्रम में मौजूद व्यक्तियों की राय उनकी व्यक्तिगत राय है, हरियाणा 36 लाइव की नहीं। हरियाणा 36 लाइव का मकसद किसी भी व्यक्ति की छवि को धूमिल करना या निंदा करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। चैनल का मकसद किसी भी पाखंड को बढ़ावा देना व किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाना नहीं है। जी जी प्रभु जी, जब मुझे किसने बताया कि यहाँ पे भद्राज मंदिर है और वहाँ पे एक दीपक पुंडिर जी बैठते हैं, तो उन्हें मतलब ये है देहरादून के पास में ही है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें सारी मेथड पता है कि भूत किस तरीके से भागते हैं, वो करते हैं इस चीज़ को। तो फिर जब हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण करता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये कहाँ का है, जल का है या वन का है। तो फिर ये जो कर्मकांड होता है ये उसी स्थान पे होते हैं, मतलब अगर पानी का होगा तो पानी में जाना पड़ेगा, अगर वन का होगा तो वन की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर उन्हीं भैया ने हमको नंबर दिया पंडित जी के द्वारा, फिर पंडित जी ने हमसे बहुत सारी चीज़ें मंगाई जैसे पूजा पाठ की होती है, और उनमें उन चीज़ों में हमने अलग अलग चीज़ें देखी और आश्चर्य में भी पड़ गए मैं और स्वामी जी। हमने कहा ये क्या है, तो छोटी छोटी सी शीशियाँ थी, वो रेडीमेड मतलब पता नहीं कहाँ मिलती होंगी, वो पंडित जी खुद आए मतलब लेकर, तो उसमें लिखा हुआ था भूत दाना, प्रेत दाना, चुड़ैल दाना, मसान दाना, मतलब छोटी छोटी सी शीशियाँ लेकर आके, पता नहीं किस फैक्ट्री में बनता है क्या। तो हमने अंदर ध्यान से देखा तो उसमें पत्थर पत्थर से थे कुछ चीज़ें। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें और मतलब बहुत सारी चीज़ें मंगाई, 5 तरह की छोटी छोटी मिठाइयाँ मिक्स वगैरह, फल वगैरह मंगाए, फिर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, और ये मतलब लकड़ियाँ मंगाई उन्होंने जैसे नीम और 2-3 की, तो कुछ वो अपने साथ लेकर आ रखे थे। एक अलग प्रकार की अरबी होती है जो जंगल में होती है, वो भी वो खुद लेकर आ रखे थे। अरबी एक अलग सी होती है, वो जंगली होती है, तो वो खुद ही लेकर आ रखे थे। वो दुर्लभ होती है, मतलब आसानी से नहीं मिल पाती ना मार्केट में, तो ये सब चीज़ें वो खुद लेकर आए। फिर उन्होंने जो है हमें लेकर गए वो नदी के किनारे पे, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसा वस्त्र मतलब लेकर आना जो तुमने पहना ना हो पहले, तो हमने ऐसा कपड़ा जो आपने नहीं पहना जी, तो तुरंत हम खरीद के लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि यहीं पहन लो कहीं आसपास में, तो हमने चेंज किया, तो फिर वही उतार के जो है नदी में बहाना पड़ता है, और सब वो चीज़ें मतलब वो पता नहीं कितनी कील मंगाई थी उन्होंने, और एक हल सा बनाया था, उस हल पे उन्होंने वो सारी कील गाड़ी और तंत्र मंत्र द्वारा कुछ क्रियाकांड किया वहाँ पे, और उसके बाद सारा जल में प्रवाहित किया। वो जो हल बनाया था वो भी नदी में ही डुबो दिया उन्होंने, और उसके बाद कहा कि अब तुम जहाँ से ये सीमा प्रारंभ हो रही है और इसका एंड है जहाँ तक, पलट के मत देखना बिल्कुल भी। तो हमने वैसे ही किया, तो फिर उसके बाद शांति है, अब मेरा कोई रेप नहीं होता और मेरे को मतलब कोई छूता नहीं है गलत तरीके से, कुछ नहीं होता ये मेरे साथ। हाँ, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और रूम में घूमते हैं, तो भैया ने कहा ये होगा, वो आएंगे, वो मुक्त के लिए आएंगे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारी योनि से हमें मुक्त करा दो कुछ पूजा पाठ करके, तो इस तरीके से है मतलब, लेकिन वो गलत अब नहीं है मेरे साथ। अच्छा जी, उनका कोई संपर्क नंबर जो है वो आप दे सकते हैं उनसे, कोई क्योंकि फ़ोन वगैरह भी करते हैं लोग, वो कैसे करें? जी मैं दूंगी, हमारे पास तो है नंबर है, दे दूँ अभी। हाँ, नंबर दे दो उनको स्वामी जी, एक बार नंबर देना। वो दीपक भैया के जो वो है ना, तो वहाँ का नंबर दे दो, तो फिर वो एड्रेस तो बता देंगे ना। हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पे, मेरा मकसद ही आने का ये है कि जिनके साथ ये मतलब इस तरह की भूत बाधाएं हैं, तो वहाँ जाके जरूर उनको मतलब सफलता मिलेगी जी, उनको भी पीछा छोड़े, उनका भी जो लोग परेशान हैं। जी जी, इसीलिए मैं मतलब हम लोगों का जीना हराम कर रखा था भूतों ने, तो तब से हम चैन से हैं, तो हम ये चाह रहे कि जिसको भी ये परेशानी है मतलब वो उभर जाएंगे इस सदमे से। जी जी जी
तो भाई उनका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, दीपक पुंडीर भारद्वाज जी हैं और इनका नंबर है भद्राज मंदिर, मंदिर का नाम है भद्राज। अच्छा जी इनका नंबर है 8580778831 8581 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा इनका और इनसे बातचीत कर सकते हो। लेकिन ये उठाते नहीं है, इनके सेवक का नंबर ये उठाते क्योंकि यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, तो फिर इनका तो मिलना ही दुर्लभ है। पहले तो इनका एड्रेस और जो नंबर होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में डाल दूंगा। जी जी, और टेंपल ब्रदर्स नो स्वामी जी वो सेवक का नंबर दे दो, सेवक का नंबर इनके सेवक का जो जिनका सोल्यूशन ने इनका जो सोल्यूशन जिन्होंने किया था उनके सेवक का नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका मोबाइल जरूर उठाएंगे, कॉलिंग आपके अटेंड करेंगे 9012541445 90 125 41 445। जी दीपक पुंडीर भद्राज मंदिर, तो ये एड्रेस दे देंगे तो वहाँ पे चले जाइएगा। फिर गूगल पे भी सर्च कर लेते हो, आजकल तो गूगल का टाइम वो जमाना है, देख लेते हैं। जी तो उनसे भी संपर्क कर सकते हो, उनकी कोई गूगल पे मेल आईडी, आपने नंबर भी मैंने बता दिया, उनसे बातचीत। तो अभी फिलहाल सब नॉर्मल है जी, सब जी जी जी। अब तो मैं डरती नहीं हूँ, अब तो मेरे साथ मतलब अब भगवान की, जो मैंने कहा था ना कि देवर सिंह नारद जी प्रकट हुए थे और उसके बाद, हाँ जी एक घटना मैं जरूर भूल गई थी भूत की, वो बताना चाहूँगी इसमें कि एक बार ऐसा था कि मेरे पास 3-4 चालीसा करती थी मैं, तो फिर मुझे लगा कि भगवान शिव और ये क्या नाम है इसका माता दुर्गा और ये हनुमान जी की चालीसा करती थी तीन की, तो मुझे लगा कि ये तीनों तो मेरी रक्षा के लिए आते ही हैं, तो क्यों ना मैं मतलब सारे देवी देवताओं की पूजा करने लगूं। तो पहले मैं आधे घंटे पूजा किया करती थी, फिर मैं 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पूजा करने लगी भूत प्रेत के डर से। तो फिर मैंने कहा कि मैं सारे देवी देवताओं की पूजा करने लग जाती हूँ, तो फिर मैंने 80-90 इतने नाम लिख दिए सारे भगवान के, उसमें मैंने यमराज जी की भी पूजा करी। मैंने कहा मरने के बाद कम से कम उनके दूध प्यार से तो ले जाएंगे, तो ऐसी मेरी भावना थी मन की। तो मैंने सबकी मैं पूजा करने लग गई, तो तब फिर उसमें मैं भगवान मतलब जो ये गुलशन कुमार जी हैं उनकी मतलब जो उनके साथ ये हुआ मतलब बहुत दुखद है कि वो आज दुनिया में नहीं है, और मैं बहुत बड़ी क्षति मानती हूँ क्योंकि उनके सारे सीरियल मैंने देखे हैं, जितने भी धार्मिक चीज़ें बनाई मैंने हर चीज़ उनसे बहुत नॉलेज भी मुझे आया। नंदी महाराज जी का जन्म कैसा हुआ उनके सीरियल से मुझे पता चला, तो उन्हीं के सीरियल से मैंने ये देखा कि किसी कोई पुराण देखा मैंने मतलब ना जो इन्होंने ही बना रखा है गुलशन कुमार जी ने, तो इनकी बनाई हुई चीज़ें मैं बहुत देखा करती थी। तो इसमें द्रौपदी जो माता हैं उनका जन्म दिखाया कि हवन कुंड से वो उत्पन्न हुई, तो मुझे लगा कि जब 80-90 मैंने देवी देवताओं के नाम लिखे हैं उनकी पूजा कर रही हूँ तो इनका भी नाम मैं लिखती हूँ, तो मैंने इनको प्रणाम किया पूजा करते समय। और ये पूजा मैंने शाम के 4 बजे करती थी मैं पूजा, क्योंकि भद्राज मंदिर की 4 बजे पूजा लगती है, तो फिर मैंने उसमें जो है द्रौपदी माता का भी नाम ऐड कर दिया। अब मैं जितनी भी फीमेल गॉडेज हैं उनका नाम ना मैं दादी बोलती हूँ, मतलब द्रौपदी दादी या राधे दादी, दादा दादी बना रखी है जी जी। और जितने भी भगवान हैं जैसे हनुमान जी हैं तो मैं उनको हनु दादा बोलती हूँ, या शिव भगवान है तो दादा बोलती हूँ उनको, सारे कान्हा जी दादा बोलती हूँ। तो फिर उस दिन मुझे नहीं पता था कि द्रौपदी माता सुन रही है, मुझे नहीं पता था। अब मैंने उस दिन पूजा में उनको कहा कि हे द्रौपदी माता आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, क्योंकि मैंने उस दिन उनको हवन कुंड से उत्पन्न होते हुए देखा था। तो ये पूजा करी मैंने शाम के 4 बजे। अब क्या होता है कि सुबह 5 बजे स्वामी जी स्कूल के लिए चले गए, और जैसे ही मैं सोने के लिए मतलब मेरा दोबारा मन हुआ कि मैं दोबारा सोती हूँ, तो जैसे मैं सोने लगी तब तक 2 भूत प्रकट हो गए वहाँ। उन 2 भूतों के हाथ में गोल सी एक रस्सी थी, दोनों सिरे दोनों के हाथ में थे और बीच में फंदा बना रखा था वाइट कलर का, तो उन दोनों ने मेरे सिर में वो रस्सी डाली और दोनों ने अपनी अपनी तरफ खींचने लग गए, तो मैं कभी उधर खींचूँ कभी इधर खींचूँ। तो उसी समय, खैर आप लोग नहीं बिलीव करेंगे मत करना, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, गीता की तरह एक एक शब्द मैं सत्य बोल रही हूँ यहाँ, जो भी मेरे साथ हुआ मैं झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर जिस पलंग में मैं थी बैठी हुई उसी पलंग के पीछे दीवार में माता द्रौपदी बिल्कुल भगवती के रूप में प्रकट हो गई, बिना शेर के ऐसे करके अनेकों हाथ खड़े करके कि मैं द्रौपदी। मतलब एक टाइम पे तो देवर्षि नारद जी प्रकट हुए और एक टाइम पे माता द्रौपदी अगले दिन ही ऐसे, मतलब पहले दिन मैंने उनको प्रणाम किया, अगली सुबह वो भूतों से मेरी रक्षा के लिए प्रकट हो गए, मैं ऐसे किया मैं द्रौपदी, और अनेकों हाथ उनके खड़े हो गए, उनकी लाल चुन्नी थी पूरे लाल श्रृंगार था, दर्शन कर लिया जी जी। तो फिर उस टाइम पे वो भूत नदारत वहाँ से गायब। अभी फिलहाल फाइनली आप ठीक ठाक हैं जी, कोई दिक्कत जी जी जी। तो भाई ये वीडियो हमने आपको दिखाई, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। और अभी मैं मौजूद था उत्तराखंड में, मैं अभी मौजूद हूँ
और एक अलग सी घटना थी, हमने आपको और भी पहले दिखाई आत्मा की जो घटनाएं, और एक घटना ये भी थी, रियल घटना थी, हमने आपको दिखाई। और इन वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, उत्तराखंड। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी।